हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एपके गुरु चैनल। दोस्तों ये जो वीडियो है आपको मध्य प्रदेश के कटनी डिस्ट्रिक्ट का है। तो कल मैं वहाँ पर गया था इंजेक्शन के लिए, यानी कि कोरोना वैक्सीन के लिए कल मैं गया था। तो वहाँ पे ये वीडियो शूट किया था, जब मैं देखा एक किसान जो है इस बकरी लोग को लेकर ऐसे ही खेत में घूम रहा था। बकरी लोग खुद ही अपने से खा रही थी, चर रही थी, और वो किसान बगल में खड़े थे। मैं उनसे बात किया, क्या मैं वीडियो बना सकता हूँ? तो उन्होंने बोला हाँ वीडियो आप बना सकते हैं। और उन्होंने से मैं कुछ सवाल जवाब किया, जो कि वो खुद अपना वीडियो बनाने से इनकार किए, मगर उन्होंने बोला कि जो आप पूछोगे हम बताएंगे। तो हमने पूछा कि आपकी बकरी इतना स्वस्थ क्यों है? उन्होंने बोला कि हम कुछ ज़्यादा इसमें खर्च नहीं करते हैं, इसी तरह रोज़ाना हम सुबह 10 से ले कर शाम के 4 बजे तक चढ़ाते हैं, इसी तरह जंगल में पहाड़ी की तरफ मैं ले जाता हूँ और चढ़ाता हूँ। सुबह ले जाने के बाद से मैं कुछ सुबह कुछ खिलाता हूँ, और शाम को ले जाने के बाद से रात में थोड़ा सा दाना मैं ये लोग को देता हूँ। दाना कुछ भी हो, मक्का हो, गेहूं हो, थोड़ा थोड़ा मैं ये लोग को देता हूँ। बाकी हम ये लोग के लिए कुछ भी खाने को नहीं देते हैं दोस्तों। इन्होंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ मेरा जो है महीना का खर्च जो है 4000 से 5000 रुपया आता है। तो मैंने पूछा कि दवा मेडिसिन के लिए इंजेक्शन? उन्होंने बोला कि हम इस लोग को कुछ भी नहीं देते हैं। अगर जब इस लोग को प्रॉब्लम होता है, जब तबीयत खराब होता है, जब ये बीमार होती हैं, तो उस टाइम में हम ये लोग को ले जा दवा लाकर या डॉक्टर को बुलाकर चेकअप कराते हैं, और जो भी दवा वो देता है इसको हम खिलाते हैं। तो दोस्तों ये कटनी का जो है, जो यहाँ की देसी बकरी है, ये कोई बाहर से मंगाई हुई नस्ल नहीं है, यहाँ की ये देसी बकरी है। और ये हाइट आप देख सकते हैं, बकरा का हाइट या बकरी का हाइट आप देख सकते हैं। ये जो आप नज़र आ रही है सामने, ये बकरी है, इसका हाइट आप देख सकते हैं। सिर्फ 3 से 4 हज़ार रुपये महीना पे ये लोग अपने बकरी पालन कर रहे हैं। मैं पूरा वीडियो नहीं ले पाया, क्योंकि ये लोग अलग अलग जो है खा रही थी, घूम रही थी। लगभग यहाँ से 60 से 70 जो है बकरी और बकरा जो भी था यहाँ पे है। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं ये कितना बेहतर ये जो है देखने में, ये लोग जो भी जानवर है, जितने बकरा, कितना बेहतर खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। वह इसलिए इंटरव्यू नहीं दे पाए क्योंकि उनका जो लैंग्वेज था, वो जो राजस्थान, जो यहाँ का मध्य प्रदेश का लैंग्वेज, वो देहात के लोग थे, इसलिए उनको बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। वो मिक्स करके जो मध्य प्रदेश का लैंग्वेज वो मिक्स करके बोल रहे थे, तो इसलिए उनको थोड़ा प्रॉब्लम था, इसलिए कैमरा के सामने नहीं आए। मगर बोले कि वीडियो आप बना सकते हो। तो उन्होंने ये सब बताया कि हमारा महीना का 3 से 4 हज़ार या लास्ट से लास्ट 5 हज़ार रुपया खर्च आता है, क्योंकि जो मैं खेती करता हूँ वही में से कुछ खिलाता हूँ, वो भी ज़्यादा नहीं, अगर है तो खिलाता हूँ, नहीं है तो नहीं खिलाता हूँ मैं। मगर हाँ, ये जो अभी जो देख रहे हैं जंगल में जो खा रही है, ये है बबूल का पेड़। जो बबूल का पत्ता ये बहुत शौक से खाती है, और ये सुबह से लेकर 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे 5 बजे तक ये बोल रहे थे कि हम खिलाते हैं। अगर बरसात का मौसम आता है तो हम लोग खुद बबूल का जो झाड़ है उसका डाली उली काट कर लेकर आते हैं। और भी पत्ती है यहाँ पर, जैसे महुआ है, ये सब का पौधा हम लोग कटिंग करके ला कर हम लोग ये लोग को खिलाते हैं। यानी खूब बोले तो ये लोग फूल जो है देसी जुगाड़ से ये लोग अपने बकरी पालन कर रहे हैं। और भी मैं एक दो जगह देखा, मगर दोस्तों मेरे को जाना था कोरोना का वैक्सीन लेने के लिए, मैं रुक कर इंटरव्यू नहीं ले पाया। मगर ये एक जगह मैं उतर के यहाँ पे 2 मिनट में उनसे बात किया, और 2 मिनट उनसे वीडियो बनाया, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों मिलते हैं फिर।